आज की कहानी है गरीब बुढ़िया की शिव भक्ति। चंद्रपुर नगर में कमला नाम की बूढ़ी औरत अपने बेटे राणा और बहू मनीषा के साथ रहती थी। कमला भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वह दिन रात भगवान शिव की पूजा आराधना में लगी रहती थी। उसका बेटा राणा खेती करता था और फसल भी ठीक ठाक होती थी, लेकिन फिर भी वह माँ के पास हमेशा गरीबी का रोना रोता रहता था। वह बूढ़ी औरत फटी साड़ी को सिलाई करके पहन लिया करती थी, लेकिन कभी भी बेटे बहू से कोई शिकायत नहीं करती। उसकी बहू मनीषा सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह उसे ना तो ठीक से खाना देती और ना पहनने को कपड़े देती। एक दिन कमला भगवान शिव की आरती खत्म होने के बाद अपने पुत्र राणा से बोली कि बेटा, तुम काम पर जा रहे हो, ये भगवान शिव का प्रसाद ले लो। भगवान शिव जी की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहे। उसकी बहू जो पास ही बैठी थी सारा वार्तालाप सुन रही थी। वह बोली कि सासू माँ, अगर ऐसे दिन भर पूजा पाठ करते रहने से सब काम बन जाएं तो सब पूजा ही करते रह जाएं। आपके पास तो शिव जी की पूजा के अलावा और कोई काम धाम नहीं है, हर समय शिव जी की पूजा करती रहती हो, लेकिन तुम्हारे शिव जी फिर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करते। बाकी समय आप बस बैठे बैठे अनाज तोड़ती हो। बहू के ताने सुनने के बाद भी कमला कुछ नहीं कहती। बेटा राणा भी बीवी को कुछ नहीं कहता था और चुपचाप अपने खेत को चला जाता था। कमला घर में पूजा करती, मंदिर जाती और वह दिन भर खुद को भगवान शिव की भक्ति में ही व्यस्त रखती थी। बहू मनीषा स्वयं तो बहुत अच्छे अच्छे भोजन बनाकर खाती, लेकिन सास को रूखा सूखा खिलाती, जिससे कमला दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। मनीषा कमला से कहती कि माँ, केवल पूजा ही करती रहोगी, कभी कभार थोड़ा बहुत घर का काम भी कर लिया करो। दिन भर अकेली मैं सारा काम करके थक जाती हूँ और आप सिर्फ खाती हैं और पूजा में लीन रहती हैं। कमला ने कहा, ठीक है बहू, लाओ मैं झाड़ू लगा देती हूँ। मनीषा बोली कि सिर्फ झाड़ू लगाने से ही नहीं होगा, थोड़े बहुत बर्तन हैं उसे भी धोना होगा। कमला ने कहा कि ठीक है। कमला रोज सुबह उठकर झाड़ू लगाती और दोनों वक्त के बर्तन भी धोती। बाकी सारे समय वह शिव जी की पूजा में लगी रहती। एक बार कमला ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, कल से सावन का महीना शुरू हो रहा है, मैं इस सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर हो सके तो मेरी कुछ मदद कर दे, ताकि मैं भगवान शिव को भोग लगाने के लिए प्रसाद की व्यवस्था कर सकूँ। राणा ने कहा, माँ उसकी क्या जरूरत है, तुम तो वैसे ही रोज शिव जी की पूजा करती ही हो, और अब सावन में विशेष पूजा करने की क्या जरूरत है। तभी उसकी बहू ने कहा, वैसे भी इस बार खेती अच्छी नहीं हुई है, अभी घर में पैसों की काफी दिक्कत है, इसलिए आप अपनी पूजा पाठ जैसे रोजाना करती हैं वैसे ही कर लीजिए। कमला कुछ नहीं बोल पाती और वह चुपचाप वहां से बाहर चली जाती है। अब मनीषा को अपनी सास और भी बोझ लगने लगी थी। इधर भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे कि तभी माता पार्वती ने उनसे कहा, प्रभु, कमला आपकी अनन्य भक्त है, वह इतनी तकलीफ में है, आप उसके लिए कुछ करते क्यों नहीं। मुझसे अब और उसका दुख देखा नहीं जाता। भगवान शिव ने कहा, देवी, इंसान को अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल हर हाल में भुगतना पड़ता है। कमला के साथ भी वही हो रहा है, लेकिन अब बस कुछ और दिन की बात है, कुछ दिनों के बाद उसकी सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। इधर मनीषा अपने पति राणा से कहती है, सुनो जी, 2 दिन बाद मेरे भाई की शादी है, मैंने सारी खरीदारी कर ली है, आपके लिए भी हर रस्म के लिए अलग अलग कपड़े खरीद लिए हैं, हमें कल ही मेरे मायके जाना है, लेकिन परेशानी ये है कि इस बार हमारी फसल काफी अच्छी हुई है, ऐसे में उसकी देखभाल कौन करेगा। तब राणा बोला, ऐसा करो कि तुम चली जाओ
मैं यहीं रह जाता हूँ। आप जे कैसी बात कर रहे हैं, आप नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। मैं कहती हूँ कि माँ जी तो वैसे भी कुछ करती नहीं है, उस खेत में ही बने झोंपड़े में रहने के लिए उनको ही कह दो, उनकी शिवजी की मूर्ति भी उन्हें खेत में ही दे दो, वह वहाँ पर शिवजी की भक्ति भी कर लेंगी और अपना भोजन पकाकर खा भी लेंगी, इसके साथ ही खेतों की देखभाल भी कर लेंगी। राणा ने कहा, शायद तुम ठीक कह रही हो। राणा दूसरे दिन माँ कमला को लेकर खेत पर चला जाता है, वहीं पर उसकी सारी व्यवस्था कर देता है और अपने ससुराल चला जाता है। कमला जैसे तैसे अपने दिन गुजारने लगती है। अब वह भगवान शिव की भक्ति में और ज्यादा लीन हो गई। एक बार फिर माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, स्वामी अब तो आप अपने उस भक्त के लिए कुछ करें, उसकी तकलीफ मुझसे और देखी नहीं जाती। भगवान शिव मुस्कुराते हैं और एक बूढ़े साधु का वेश धारण कर कमला के पास पहुंचकर कहते हैं कि माता मैं कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। आपके खेत में चने बहुत अच्छे हैं, आप मुझे उनमें से कुछ चने दे दो, मैं वही खाकर पानी पी लूँगा। कमला ने कहा, नहीं बाबा, मैं आपको कच्चे चने नहीं दे सकती, आप यहाँ बैठिए, मैं आपको चने भूनकर देती हूँ। कमला खेत से चने तोड़कर लाती है और उसे भूनकर साधु बाबा को देती है। वह कहती है कि बाबा जी लीजिए काले चने, इनके अलावा मेरे पास आपको खिलाने के लिए और कुछ भी नहीं है। साधु बाबा ने कहा, माता आपने जितने सच्चे मन से मुझे चने खिलाए हैं उसके लिए इंसान के पास अमीर दिल होना चाहिए, जो पैसे वालों के पास नहीं होता। ये कहने के बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आ जाते हैं। ये देखकर कमला उनके चरणों में गिर पड़ती है और खुशी से रोते हुए कहती है, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मुझे आपके दर्शन मिल गए, प्रभु मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो। कमला बोली, प्रभु मुझे आप यहीं पर अपना मंदिर बना दें ताकि मैं शांति से आपकी पूजा कर सकूं। भगवान शिव वहां पर एक खूबसूरत मंदिर का निर्माण कर देते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। अब चारों ओर कमला की जय जयकार होने लगी, सब उसकी इज्जत करने लगे। भगवान शिव के उस मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल जाती है और प्रतिदिन मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगती है। उधर मनीषा के मायके में आग लग जाती है, जिसकी वजह से उसका पूरा चेहरा जल जाता है। जब वह वापस अपने गांव आती है तो गांव वालों से अपनी सास के बारे में सब कुछ जानकर वह वहां खेत पर जाती है। उसके साथ उसका पति राणा भी जाता है। दोनों कमला से माफी मांगने लगते हैं। कमला जब मनीषा की ऐसी हालत देखती है तो परेशान हो जाती है। कमला मंदिर से भगवान शिव जी के नाम का जल लेकर उसके पूरे चेहरे पर लगा देती है, जिससे मनीषा का पूरा चेहरा पहले की तरह ठीक हो जाता है। अब तो हर कोई कमला की जय जयकार करने लगता है। मनीषा कमला से कहती है, माँ जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए, घर चलिए, हम सब साथ में ही रहेंगे। तभी राणा ने कहा, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हारी इज्जत नहीं की, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, माँ मुझे माफ कर दो। मनीषा बोली, माँ जी हमें माफ कर दीजिए और हमारे साथ अपने घर चलिए। तब कमला ने कहा, नहीं बहू, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब तो जो शेष जीवन बचा है उसे यहीं पर अपने प्रभु के चरणों में गुजार लूंगी। कुछ दिनों पश्चात पूजा करते वक्त ही भगवान के चरणों में अपना सिर रखती है और उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है। बहु बेटा पूरे नियम से उसका क्रियाकर्म करते हैं। अब उसके बहु बेटा भी मन लगाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगते हैं और प्रतिदिन मंदिर में सेवा भी करते हैं। वह सारे अच्छे कार्य भी करने लगते हैं।
आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।